हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं यूजर रिव्यू के बारे में, जो कि BS6 स्टेल्थ ब्लैक 350cc जो मॉडल है उनके ओनर जो है हमारे साथ में है वैभव जी, एंड इनने ऑलमोस्ट राइड कर चुका है 1000 किलोमीटर। एंड आज मैं पूछने वाला हूँ इनका यूजर रिव्यू कि इनका कैसा रहा है एक्सपीरियंस गाड़ी के बारे में, ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये गाड़ी बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड मैंने भी रिव्यू कर चुका है बट यूजर रिव्यू अभी तक मैंने नहीं दिया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वैभव जी से एंड ये बताएंगे अपना यूजर रिव्यू कि कैसा लगा अभी 1000 राइड करने के बाद में, एक्सपीरियंस कैसा है आपका। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, करीब 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ। रॉयल एनफील्ड कहते हैं मेड लाइक अ गन एंड इट इज एक्चुअली मेड लाइक अ गन, और ये चीज एक यूजर ही बता सकता है। अभी तक इसकी माइलेज परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आया है, माइलेज अप्रोक्सीमेटली 30-35 के आसपास आ रही है ऐसे। ओके, और सिटी राइड में और ये जो कलर था मेरे को काफी पसंद था, इस वजह से BS6 में ये कलर आया। ये अभी तक 500cc में ही था तो मैंने सोचा why not buy this। मेंटेन करने पड़ा होती है मैट को? नहीं, ऐसे आज सच कोई इश्यूज नहीं है, थोड़ा सा ये डल लुक आ जाती है इसमें, बट आपने बताया पॉलिशेस वगैरह हैं कुछ अपनी वीडियोस में, वो मैंने यूज करके देखा, काफी अच्छी पॉलिश थी वो। चमक नई जैसी बनी रहती है एकदम। बाकी कोई प्रॉब्लम गाड़ी में फेस करने को मिली आपको? अभी तक तो नहीं, अभी तो 1000 किलोमीटर। जो EFI और ये जो कनेक्टर लगाए हैं जिसके साउंड ऑन का कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको आया? अभी तक तो नहीं, आगे देखते हैं कोई इशू होता है। दोस्तों जैसे कि आपने सुना, पर्सनली मेरा स्टाइल ब्लैक को लेके पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बताऊं, ये तो आपने सुना यूजर रिव्यू वैभव जी का, एंड मेरा अगर सुनेंगे तो ऑब्वियसली बात है मुझे कलर तो पसंद है, बस ये रेड टच जो है ना मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है। काश वो व्हाइट होता जैसे कि सेम स्टाइल ब्लैक में होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये मैं यूजर के सामने बोल रहा हूँ बट एक्चुअल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। कलर वैसे अट्रैक्टिव है, नया है, यंग लुक बोल सकते हैं इसको है, बट फिर भी थोड़ा बहुत रॉयल एनफील्ड को चेंजेस मॉडिफिकेशन करने चाहिए थे। एंड दोस्तों एक और चीज़ बता दूं कि BS6 में जो FI लगाने के बाद ना पिकअप जो है एक्चुअल में इंक्रीज हुई है, जो कार्बोरेटर पहले मिलता था वो पिकअप अभी आपको इंक्रीज मिलेगी FI के बाद में, क्योंकि FI जो होता है बेस्ट पॉसिबिलिटीज में आपको मल्टीपल सेंसर से वर्क करके आपको बेस्ट पिकअप प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसीलिए इसमें सिंगल स्पार्क देते हैं, ट्विन स्पार्क नहीं आता, यही रीज़न है कि सिंगल स्पार्क पे भी ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों आई होप आपको मैक्सिमम डाउट क्लियर हो चुके होंगे, फिर भी आपका डाउट एंड क्वेरी है तो जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड मैक्सिमम डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देखिएगा, जैसे कि आप मैट को कैसे मेंटेन करते हैं और भी बहुत सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आपको लिए आती रहेंगी। एंड थैंक यू वैभव जी ज्वाइन करने के लिए एंड अपना यूजर रिव्यू देने के लिए। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं, बाय।